नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल, और आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो विषय बहुत खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान को पूरे विश्व में प्रतिदर्शित करने का काम ये विषय करता है। ये विषय इसलिए भी खास है क्योंकि किस तरीके से हम केवल हमारे यहाँ ही सिमटे हुए नहीं हैं, बल्कि विश्व के हर कोने कोने में हिंदुस्तान की बात होती है, और वो बात होती है हमारी भारतीय संस्कृति के उन खास पहलुओं के कारण से, जिनके कारण से कह गए लोग कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो वो क्या बात है हमारी हस्ती में जिसके कारण से हम बने हुए हैं, ना केवल हमारे हिंदुस्तान में बने हुए हैं बल्कि पूरे विश्व में बने हुए हैं वैश्विक परिदृश्य में, भारतीय संस्कृति। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अंकित सिंघल जी। अंकित जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में। अंकित जी का परिचय मैं आपको बता दूं, आपने IIT दिल्ली से BTech किया, उसके बाद में US से जाकर के आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही और स्टडी किया, PhD भी वहां से किया, और 2013 से लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान वापस आने की आप इच्छा भी रखते हैं, और मुझे लगता है कि वापस जल्द ही हम आपको देखेंगे यहाँ पर काम करते हुए। जी बिल्कुल। विश्व विभाग के कार्यकर्ता हैं। विश्व विभाग एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तानी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए काम करता है, और वहाँ पर जितना आपने मुझे बताया कि युवाओं के बीच में आपने बहुत काम किया है। अंकित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस बारे में कि सीधा सीधा भारतीय संस्कृति वैश्विक परिदृश्य में, वैसे तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते ही हैं, तो पूरा द होल वर्ल्ड इज द फैमिली वसुधैव कुटुंबकम है, तो इसमें हम लोग वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो ये क्या 100-150 सालों से इस निकल करके सामने आया है, या इतिहास बहुत पुराना है कि हम लोग वहाँ पर गए, या फिर किसी ने पायोनियर की तौर पे इसे स्थापित किया, जिसके बारे में हम स्वामी विवेकानंद का नाम भी बहुत शीघ्रता से लेते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, अवसर देने के लिए। तो हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ये हजार साल से भी पुराना हमारा सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जब हमने भारत के बाहर जाकर अपना प्रभाव जमाया है। उदाहरण के तौर पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया, वहाँ पर हमारा सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ही अमिट रहा है। जैसे कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है, अंगकोर वाट। जी उसी प्रकार इंडोनेशिया की एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है, उनके नोट पर गणेश जी का चित्र है। मलेशिया में रामायण और महाभारत का मंचन नियमित रूप से होता है। इस प्रकार मॉरिशस में और गयाना आदि देशों के अंदर आप देखें तो आपको नाम मिलेंगे युधिष्ठिर और अवंतिका, जैसे हिंदू नाम और भारतीय नाम आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए भारतीय संस्कृति का फैलाव एशिया के कंट्री देशों में बहुत पहले से रहा है। जब हम गुलाम बने 18वीं सदी के अंदर, तब यह प्रभाव थोड़ा कम हो गया, जबकि रुका नहीं। फिर जब पश्चिमी सभ्यता अपने उदय पर आई तो उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया पश्चिमी सभ्यता के अंदर कि भारत एक असभ्य देश है और वहाँ पर संस्कृति है ही नहीं, और वहाँ पर लोग अशिक्षित हैं, गरीब हैं, और संस्कृति हमको देनी है उनको, ऐसा एक माहौल बनाया गया। उस माहौल को, उस भ्रांति को दूर करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए सिद्ध हुआ स्वामी विवेकानंद का अमेरिका जाना। जब 1893 के अराउंड वो वहाँ पर गए और उन्होंने उद्घोषणा की विश्व के धर्म संसद मंच से कि मैं एक ऐसे देश से आता हूँ जिन्होंने सभी धर्मों और सभी पंथों को ना केवल सहन किया, ना केवल टॉलरेट किया बल्कि स्वीकार किया। मैं एक ऐसे देश से आता हूँ, एक ऐसे संस्कृति से आता हूँ जिन्होंने विश्व के सभी सताए हुए लोगों को शरण दी बिना किसी प्रश्न के। मैं एक ऐसे देश से आता हूँ जो सभी को स्वीकार करता है। तब लोगों को लगा कि ऐसा कौन सा ये देश है और ऐसा कौन सा ये व्यक्ति है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और इतनी अच्छी बातें करता है। तब उन्होंने राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग आदि विषयों पर चर्चा की, और ऐसा बताया जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उस समय खबर आई कि वहाँ पर पहले अमेरिकन से आज भी ऐसा किया जाता है, वहाँ से वहाँ पे लोगों को ऐसा बोल के पैसा लिया जाता है कि हम भारत में पैसा भेजेंगे वहाँ के लोगों को सांस्कृतिक संस्कृति देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि हम कैसे मूर्ख हैं जो ऐसे देश को पैसा और मिशनरी भेजते हैं जहाँ पर विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं, तो ऐसे देश को संस्कृति की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा भ्रांति दूर करने में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विवेकानंद ने निभाई। उन्होंने सेवा के लिए JD रॉकफेलर जैसे व्यक्ति को सेवा के लिए प्रोत्साहित किया, उन्होंने टेस्ला और अनेक वैज्ञानिकों से चर्चाएं की, और भारतीय संस्कृति को, उपनिषदों को फिजिक्स और वैज्ञानिक रूप में एस्टेब्लिश करने में हेल्प की, और यह तो उन्होंने एक तरह से आइस ब्रेक किया विदेश में जाके। उसके बाद यह क्रम रुका नहीं, स्वामी परमहंस योगानंदा आए, इस्कॉन के स्वामी प्रभुपाद आए, जिन्होंने योग को और पॉपुलराइज किया और प्रसिद्धि की। हॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रबुद्ध जनों में योग पहुँचा, और उसका एक महत्वपूर्ण बात यह है कि योग सिर्फ आसन के रूप में नहीं,
उदाहरण के तौर पर जब स्वामी प्रभुपाद वहाँ गए तो वो सिर्फ आसन करने नहीं गए, उन्होंने कहा कि आपको यदि योग अपनाना है तो आपको जीवन शैली अपनानी होगी। तो भारतीय संस्कृति पूरे पैकेज के रूप में गई कि आपको भारतीय परिधान पहनने होंगे, स्त्रियों को साड़ी, पुरुषों को धोती, आपको सात्विक भोजन करना होगा, मांसाहार छोड़ना होगा, आपको पूजा पाठ करना होगा। तो एक तरह से इस पूरे मूवमेंट में जो विवेकानंद ने शुरू किया और जो आज उसका पीक पहुंच रहा है, हम देख रहे हैं एक पूरा भारत की संस्कृति पाश्चात्य जगत में, पश्चिमी सभ्यता में पहुंच चुकी है। मतलब बहुत सारे लोग ये कि एक हम लोग ये कह सकते हैं कि 1000 साल से हमारा प्रभाव वहाँ पर है। और ये बात भी सच्ची है कि महात्मा बुद्ध यहाँ हुए, महावीर स्वामी यहाँ हुए, और महात्मा बुद्ध की इस धरती पर जब वो उनका जन्म हुआ उसके बाद में चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या, बौद्ध जनसंख्या हमें दिखाई देती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, उसके बाद में आपने जिन लोगों का नाम लिया, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बहुत अलग अलग तरीकों से बहुत अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की जो एक बात है, जो एक निराली बात है, वो वहां पर कायम है। और आज जिसकी बात अंकित जी आप कर रहे हैं कि पीक पर वो कल्चर वहां पर पहुंच रहा है, तो वो पीक कैसा है? बिकॉज वो पीक अगर हो जाएगा तो फिर भाई चोटी पर चढ़ने के बाद में तो नीचे ही उतरना होता है, तो क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। जी नहीं, तो मेरा पीक से मतलब है ये कुछ वर्ष सस्टेन करेगा, बिकॉज अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कुछ विषयों की जो भारतीय संस्कृति के वहाँ पर पकड़ बना रहे हैं। सबसे पहले नाम आता है योग का, तो योग में भारतीय सरकार ने भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और उससे पहले गुरुओं ने, स्वामियों ने योग को वहाँ पहुँचाने में हेल्प किया है। अभी स्थिति यह है कि बहुत बड़ा शोध कार्य योग पर चल रहा है। अमेरिका की सरकार, उनकी जो आर्मी है जो अफगानिस्तान में सिचुएटेड रहती है, अलग अलग देशों में रहती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए योग का सहारा लेना शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर जब वो बॉम्ब ब्लास्ट या ऐसी परिस्थितियों से गुजरकर जब वापस अपने देश आते हैं तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर उनको होते हैं, कभी कभी वो उनको ऐसे दर्द होते हैं कि उनका पैर कट गया लेकिन तो भी उनको पैर में दर्द होने का आभास हो रहा है। ऐसी चीज़ों के लिए योग निद्रा, जो अपने योग के कल्चर के अंदर एक महत्वपूर्ण आयाम है, उसका सहारा लिया जाता है उन सैनिकों को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए। इसी प्रकार जेल में कैदियों को भगवद गीता और योग के माध्यम से उनको हील किया जाता है, उनको स्वस्थ बनाया जाता है। स्कूल्स, फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी में आयोवा स्टेट जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर दिन एक हफ्ते में लगभग 50 से ज़्यादा योग की क्लासेस यूनिवर्सिटी खुद ऑर्गेनाइज करती है, और वो स्टूडेंट से कई क्लासेस फ्री हैं, कई क्लासेस में स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है। तो इस प्रकार योग अपने शिखर पर धीरे धीरे पहुँच रहा है। आपको शहर के हर छोटे बड़े शहर में 500 योग स्टूडियो मिल जाएंगे अभी। क्या बात है, तो ऐसा वहाँ का वहाँ पर पहुँचा है। और कई वर्ड्स आते हैं जैसे माइंडफुलनेस, आपने सुना होगा, उस पर शोध चला है। एक पॉजिटिव साइकोलॉजी आता है जिसमें ऐसा रिसर्च किया गया है कि यदि आप किसी एक विषय पर पूरा ध्यान केंद्रित करके काम करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो यह कुछ और नहीं बल्कि ध्यान ही है जो अपने योग में बताया गया है। तो इस प्रकार योग एक एक अच्छे स्तर पर वहाँ पहुँचा है। अगर जी पढ़ाने वाले कौन है, बिकॉज अगर 500 योग सेंटर खुले हुए हैं तो क्या हम लोग जो बात करते हैं कि भाई अगर योग की बात आ रही है तो किसी साधु संन्यासी का चेहरा हमें दिमाग में आता है, गिरुए वस्त्र पहने का पहने हुए किसी व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने आता है, तो क्या पढ़ाने वाले भी हिंदुस्तानी ही है या फिर उन्होंने ट्रीट ऐसा किया है कि अब तुम भी पढ़ा सकते हो, तुम ही तुम्हारे लोगों को पढ़ाओ? हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो इसमें दो बातें हैं। तो पहले जब नया नया शुरू हुआ तो अपने साधु संन्यासी और स्वामी जी ने नए नए आश्रम स्थापित किए योग सिखाने के लिए। अभी वो चलन इतना बढ़ गया है कि एक आम अमेरिकन एक योगा का कोर्स करके योग पढ़ा सकता है। तो एक तरह से वह अच्छा है, पर उसमें चिंताजनक बात सबसे बड़ी यह है कि जब वह योग पढ़ाते हैं तो भारतीय संस्कृति से कभी कभी उसको काट के पढ़ाते हैं। तो वो पतंजलि का नाम नहीं लेंगे, वो योग का मतलब सिर्फ फिटनेस के तौर पर बताएंगे, वो प्राणायाम नहीं बताएंगे। उदाहरण के तौर पर जब मैं पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्रोच किया कि हमें यहाँ पर योग सिखाना है, प्राणायाम सिखाना है, तो वहाँ पर जो उनकी डायरेक्टर थी वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके गुरु भारत से थे तो उनको इस बात की समझ है कि भारत से आया व्यक्ति योग अच्छी ऑथेंटिक तरीके से आधिकारिक रूप से सिखाएगा। तो उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे ट्रेनर्स को, टीचर्स को ही प्राणायाम सिखाइए, क्योंकि आसन में वो एक्सपर्ट हैं शरीर को मोड़ने करने में, पर उनको वो ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन, इन सब की आप शिक्षा दीजिए। तो आप सही बोल रहे हैं, वहाँ के लोग ही अब सिखाना शुरू किए हैं। उसमें हल्का सा कंसर्न ये आता है कि कहीं भारत की जड़ों से उसको ना काट दिया जाए, और उसको एक ध्यान रखना जरूरी है। उसको एक अमेरिकन योगा करके और हॉट योगा ऐसे नए नए नाम आते हैं उससे ही उसको रिप्लेस ना कर दिया जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार ने अच्छे कदम उठाए। जब उन्होंने यूएन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित किया तो एक तरह से एस्टैब्लिश कर दिया कि ये हमारा है। तो वो उसका ओनरशिप लेना योग का भारत के लिए बहुत जरूरी है, जो भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में उभरेगा।
अंकित जी, जब आपने सरकार की बात कर ही दी है तो मैं ये भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय जो देश में सरकार है, हालांकि 2019 में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव होने हैं, 2014 से लगातार ये सरकार चल रही है, 4.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, और पूरे विश्व में जब भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं जाते हैं तो जो उपहार देते हैं राष्ट्राध्यक्ष को, वो उपहार होता है श्रीमद् भगवद् गीता के रूप में, वहाँ के बच्चों से वार्तालाप होता है, संवाद स्थापित होता है। हम लोग ये भी देखते हैं कि टाइम्स स्क्वायर में, मेडिसन स्क्वायर में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, और वो भीड़ यूं ही नहीं आ जाती, लोग पागल नहीं होते हैं कि किसी को सुनने के लिए यूं ही आ जाएंगे। तो इस सरकार के द्वारा योग के अलावा भी और किस किस तरीके के कदम उठाए गए, अब जिससे हमें लगा कि ये सरकार ने जो काम किया है वो काम इतना बेहतरीन है कि हिंदुस्तानी कल्चर को दुनिया भर में बैठाने का, एस्टेब्लिश करने के लिए अच्छा काम हुआ है। जी, सो योग तो आप हमने चर्चा की, उसके अलावा जब एक देश का नेता विदेश में जाकर जिस तरह से व्यवहार करता है, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से वो लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, वह पूरा जगत सुनता है जी। तो उससे एक भारत की आत्मविश्वासी देश की छवि बनती है। उदाहरण के तौर पर मेरे कुछ अमेरिकन दोस्त हैं, पिछले 3 सालों में मैं उनसे बात करता हूँ तो नेचुरली वो नाम लेते हैं कि उनको मोदी का नाम पता है, उनको हमारे नेता का नाम पता है, और मुझे नहीं लगता कि उनको पहले किसी भी हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम पता होगा। पर अचानक से भारत एक वैश्विक परिदृश्य में आ गया है, एक डिस्कोर्स में हम आ गए हैं। ठीक है, डीसी, वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले लोग हमारी चिंता करने लगे कि ये कौन है। तो वो मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि एक कैसा नेता है मोदी, ये हमारे ओबामा से अच्छा है, कैसा है, इन्होंने और क्या क्या एफर्ट्स मारे हैं भारत को सुधारने के लिए। तो एक सॉफ्ट पावर के रूप में एक अच्छी छवि बनती है, जिसको देखकर हमको गर्व महसूस होता है। तो सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है इस गवर्नमेंट का ये रहा है कि उन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक अच्छी छवि बनाने का काम किया है, जिससे वहाँ पर रहने वाला भारतीय आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंट फील करता है। दूसरा, और कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे नो इंडिया प्रोग्राम एक अपने फॉरेन मिनिस्टर ने चालू किया है, जिसके अंदर अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग और दूसरे लोगों को भी एक क्विज के, ऑनलाइन क्विज के माध्यम से सेलेक्ट किया जाएगा, उनको भारत बुलाया जाएगा, उनको भारत दर्शन के लिए बताया जाएगा। दूसरा है कुंभ जो भी हुआ, तो और उसको भारतीय प्रवासी दिवस के साथ में जोड़ा गया। तो कितने लोग भारत के बाहर से, भारतीय और नॉन भारतीय, जो कुंभ का स्टडी करने के लिए आते हैं हार्वर्ड और अलग कॉलेज से, जब उन्होंने इतना बड़ा विशाल संगम देखा और देखा कि इसको इतने एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है, तो वो एक हमारी अच्छी छवि बनाता है। तो इस प्रकार सोलर अलायंस के रूप में जब मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, काम किया, हाँ, तो उसमें ऐसा लगता है कि पर्यावरण में हम सिर्फ बात ही नहीं करते, हमारा सिर्फ संस्कृति में पर्यावरण का बहुत महत्व है, पर हम कदम भी उठाते हैं। तो उस तौर पे भी फिर एक लीडर के रूप में छवि हमारी आती है। आपने अभी कुछ फोटोज देखी होंगी जिसमें सुषमा स्वराज विदेश मंत्री में एकमात्र महिला और निर्मला सीतारमण एकमात्र विदेश मंत्री थी, वो रक्षा मंत्री, तो वो देख के एक अच्छा हमको फील आता है और एक कॉन्फिडेंट फील होता है। जो कि मुझे ध्यान 2013 में जब मैं नया गया था तो एक ही विषय पे बात होती थी, निर्भया रेप केस के बारे में, तो लोग मेरे से मिलते थे तो यही पूछते थे कि तुम्हारे देश को रेप कैपिटल हो गया है क्या दिल्ली, और तो वो बहुत चेंज हो गया है। आज 2018 में उस विषय में कोई बात नहीं करता, तो फील गुड फैक्टर एक अच्छा लगता है कि ना लोग जब हमारे बारे में बात करते हैं, हमारी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हमसे सुनना चाहते हैं कि तुम्हारे देश में ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। जब तुम्हारे देश की बात आती है, थोड़ा सा हम हमारे देश की यानी कि यूएस में रहने वाले लोगों की, उनके देश की, वहाँ पे वहाँ की सरकार में क्या भारतीयों का प्रतिनिधित्व इस तरीके से भी बढ़ रहा है जिससे हिंदुस्तानी कल्चर को वहाँ पर और बढ़ावा मिले? हम लोग बॉबी जिंदल, तुलसी गबार्ड और इनका नाम भी सुनते हैं। जी जी, तो कुछ नाम जो भी ध्यान में आते हैं, बॉबी जिंदल, तुलसी गबार्ड, कमला हैरिस, ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रन करने का कोशिश किया है। और इस बार तो डेमोक्रेट पार्टी ने अपने दो प्रतिनिधि घोषित भी किए हैं, जिनमें कमला हैरिस और तुलसी गबार्ड हैं। ये लोग तो इसमें एक विशेषकर खास योग गौर करने वाली बात है कि बॉबी जिंदल, जिन्होंने अपने मूल से खुद को काट के खुद को बाहर दिखाने की कोशिश की, प्रेजेंट करने की कोशिश की कि मैं क्रिश्चियन हूँ, उन्होंने चर्च जाना शुरू किया, उन्होंने खुद को इंडियन कहना बंद किया, प्रॉपर अमेरिकन, हाँ, तो उसके कारण वो वोट लेने के लिए उन्होंने किया, उसके कारण से उनका पॉपुलरिटी और कम हो गया। उसकी बजाय तुलसी गबार्ड, जो खुद को हिंदू कहती है, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है, वो हर जन्माष्टमी पे एक मैसेज यूट्यूब पे डालती है, भगवद्गीता पे उन्होंने शपथ ली, इस पर कमला हैरिस एक प्राउड भारतीय और प्राउड हिंदू के रूप में खुद को वहाँ पर प्रदर्शित करती है, तो ऐसे लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये भी है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग सभ्यताओं से लोग आए हैं जी, वहाँ का मूल निवासी अब वहाँ नहीं रहते और वहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आए हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग इस बात का सम्मान करते हैं, इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी संस्कृति में कितने डूबे हुए हैं और वहाँ पे कितना आत्मविश्वास रखते हैं। यदि आप तो ऐसा बोलते हैं, अमेरिका हाइफनेटेड और दोहरी आइडेंटिटी का देश है,
कि जर्मन अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन, सो इसी प्रकार भारतीय अमेरिकन, तो यदि आप भारतीय खुद को, उस पर शर्म की बात नहीं है। तो इसके अलावा भी कांग्रेस में शिकागो से, कैलिफोर्निया से अनेक कांग्रेसमैन जो हमें यहाँ पे एमपी जिनको हम बोलते हैं, वो प्रतिनिधित्व करना शुरू हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन भारतीयों की वहाँ पे रहेगी और राजनीति में लोग जाना शुरू करेंगे। अभी धीरे धीरे वो आईटी और डॉक्टर से कम होना शुरू हुआ है और बाकी फील्ड्स में भारतीय बच्चों ने जाना शुरू किया। आपने अंकित जी बताया कि भाई कुंभ की स्टडी के लिए हार्वर्ड से वगैरह सब जगह से लोग आते हैं, स्टीव जॉब्स हमारे यहाँ पर आए, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हमारे यहाँ पर आए और उत्तराखंड में बाबा नीम करौली जी के दर्शन के लिए वहाँ पर वह रुके हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग जब यहाँ आते हैं तो उसका भी प्रभाव वहाँ होता होगा कि हिंदुस्तान में कैसे लोग रहते हैं। यस, सो फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा प्रभाव है बीटल्स, जो एक बहुत फेमस बैंड रहा है, उन्होंने ऋषिकेश में आके साधना की और वहाँ पे गुरु बनाया। इसी प्रकार एक कृष्णा दास करके है जो अमेरिकन है, वाइट अमेरिकन है, लेकिन यहाँ पे नीम करौली बाबा का शिष्य था और यहाँ पर आके दीक्षा ली और वापस भारत यूएस गए। तो इसी प्रकार एक वहाँ पे हिंदू मॉनेस्ट्री है हवाई द्वीप में जो यूएस का पार्ट है, वहाँ पर भी एक वाइट व्यक्ति हैं जो अमेरिकन मूल के हैं पर वो अभी हिंदू हैं और वहाँ पर पूरा मठ चलाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे लोगों को देख कर वहाँ के लोगों में एक क्यूरियोसिटी जागृत होती है कि ऐसे कौन सा देश है जहाँ पे स्टीव जॉब्स जाके प्रेरित होता है, मार्क जुकरबर्ग जाके प्रेरित होता है, बीटल्स जाके वहाँ रहते हैं, काफ़ी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने वहाँ पर जाके बनारस में जो अपना सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र रहा है, तो वहाँ के लोगों में एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है भारत जाने की। तो मैं जितने भी दोस्तों से मिलता हूँ उन सबका एक ना एक ड्रीम रहता है कि भारत जाके एक बार आएंगे, कि एक ऐसा देश है जहाँ पर अध्यात्म प्रगति पर है, जहाँ पर योग की जो जन्मभूमि है, तो एक अच्छा वातावरण है इन लोगों को देखकर। मतलब केवल ऐसा ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि एक बार तो भाई अब्रॉड, एक बार तो विदेश घूम करके आएंगे, वो लोग भी सोचते हैं और सोचना चाहिए अगर उन्हें जीवन में रहना है। अंकित जी एक और बात खास हम लोग देखना चाहेंगे कि एक बड़ा माहौल सा खड़ा हो जाता है कि अब वहाँ पर जाओगे, यहाँ पर तो सड़कों पर ट्रैफिक बहुत है, लोग जो लाइट्स होती हैं ट्रैफिक लाइट्स उसको है ना खेल समझते हैं और जब मौका मिलता है निकल लेते हैं, सिस्टम नहीं है। तो क्या वाकई में वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है और क्या कुछ बात है कि या फिर सिर्फ ऐसा ही है? जी, सो मेरा असेसमेंट ये है पिछले 5 साल में रहने का, जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं पहली बार वहाँ गया तो एक अचानक से जो एक सबसे अच्छी चीज़ दिखती है वो दिखती है कि सारे सिस्टम बहुत ही अच्छे रूप से चलते हैं, चाहे वह ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रैफिक हो, चाहे वह कॉलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज हों, हर जगह सिस्टम लेवल पर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से होती है जो कि भारत में हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, पर जब आप वहाँ पर रहना शुरू करेंगे तो एक या दो साल बाद आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि कुछ और यहाँ पे मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग चीज़ है वो है इंडिविजुअल और व्यक्तिगत रूप से संबंध। तो सिस्टम लेवल पे अमेरिका भारत से कहीं आगे है और हमें उनसे सीखना चाहिए, पर व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल लेवल पे आपस के संबंधों में, रिश्तों में हम उनसे बहुत आगे हैं। तो जो एक इमोशनल क्वेश्चन होता है वो भारत का बहुत स्ट्रांग है और उसमें अमेरिकन पिछड़ रहे हैं। तो उसके बारे में एक बात करना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति वहाँ सिखा सकती है वो है स्ट्रेस से रिलीफ। तो हार्वर्ड में एक स्टडी हुआ जो 80 साल से चल रहा है, वैसा स्पेशल स्टडी है जो 1938 में शुरू हुआ और 2-3-4 जनरेशन तक वो स्टडी कंटिन्यू हो रहा है और उसका टॉपिक था कि हैप्पीनेस और सुख का कारण क्या है। और 80 साल बाद उसका एक ही रिजल्ट सामने आया, उस पर एक टेड टॉक भी है, सबको देखनी चाहिए। वो कहते हैं कि की टू हैप्पीनेस, कुंजी जो हैप्पीनेस की है वो एक ही है, वो है स्ट्रांग रिलेशनशिप। जितने अच्छे आपके संबंध होंगे उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा। तो अभी आज वैलेंटाइन डे भी है तो उस विषय पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर है कि हमको लगता है कि वैलेंटाइन डे एक बहुत ही महान दिवस है और सभी टीनेजर्स को मनाना चाहिए, लेकिन यूएस में यह दिन टीनेजर्स के लिए एक बहुत ही डेंजरस डे है बिकॉज एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टीनेजर्स इस दिन डिप्रेशन में जाते हैं। सो कारण यह है कि जिनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, जो अकेले होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, समाज से कनेक्शन नहीं होता है, वो एंटी डिप्रेसेंट गोलियां लेना शुरू करते हैं। तो इस दिन ऐसी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो ऐसा आता है कि आज के दिन पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें कि वो डिप्रेशन में ना जाए। तो इस प्रकार के स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए भारतीय पारिवारिक मूल्य बहुत अच्छे साबित वहाँ पे हो सकते हैं। इनफैक्ट यूके में, इंग्लैंड में जी अभी मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस नया मिनिस्ट्री शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, ये अलग डिपार्टमेंट शुरू किया 2018 में। कारण क्यों? क्योंकि भारत यूके के एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़े लोग लोनलीनेस के कारण, अकेलेपन के कारण बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उसको दूर करने के लिए उनको एक मिनिस्ट्री बनानी पड़ी। वहाँ पर वो स्टडी और रिसर्च करके ये सिद्ध करते हैं कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अभी नया रिसर्च हो रहा है जो ये कहता है कि यदि
दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड किड्स के साथ में रहें तो दोनों की हेल्थ में इजाफा होता है। तो ऐसा सिद्ध किया गया है कि आप लंबा जीवन जीते हैं और ज़्यादा हेल्दी जीवन जीते हैं और बच्चे मेंटली ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो ये जो चीज़ें वहाँ पे रिसर्च करके आ रही है और फिर वो उसको अपनाएंगे, भारत में इनका प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक बात है, अगर आपको है ना, आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप भारत को जान भी लें और थोड़ा सा भारत को मान भी लेंगे। सो हम लोग एक बार और भी हम लोग सुनते भी हैं कि घर तो बनता है मकानों और दीवारों से, लेकिन एक्चुअली घर बनता है घर वालों से। तो अगर घर में 60 साल से बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, 6 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो वो घर जो है वो घर जैसा लगने वाला है। और एक बात अंकित जी आपसे जानना चाहेंगे हम लोग कि ब्रेन ड्रेन की जब बात आती है कि हिंदुस्तान से लोग वहाँ पर जाते हैं, आप भी वहाँ पर गए हैं, हालांकि आपका तो वापस आने का भी है, तो क्या लोग वहाँ पर अब सोच भी रहे हैं कि भाई हमें हिंदुस्तान जाकर के रहना चाहिए या फिर केवल साफ सफाई, हालांकि मोदी सरकार ने स्वच्छता के बारे में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जी, सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज रिसेंट दिनों में हमको देखने को मिल रहा है। पहले हमको सुनने को मिलता था 1980 और 90 के दशक में कि भारतीय वहाँ जाते हैं वहाँ पर बसने के लिए क्योंकि वहाँ पर अच्छा सिस्टम है, अच्छी आय होती है और सब सुख सुविधाएं हैं। पर अभी मेरे साथ में जो लोग गए हैं और अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस आना चाहते हैं, उसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये कि अभी लोगों का इस पे इस विषय पर ध्यान देना शुरू हुआ है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो मैंने अभी बात की कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप, परिवार के साथ रहना, एक मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना, वो सब भारत में बहुत ज़्यादा है। तो एक तो वो, दूसरा भी ऐसा समझ में आने लगा है कि भारत एक इमर्जिंग कंट्री है। पहले अमेरिकन ड्रीम करके एक टर्म हुआ करती थी कि मुझे अमेरिकन ड्रीम जीना है जी। तो अभी वो फैशन से बाहर जाता जा रहा है, अभी नया टर्म है कि मुझे इंडियन ड्रीम जीना है, न्यू इंडियन ड्रीम, नया भारत जीना है, क्योंकि सब कुछ इमर्ज हो रहा है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, साफ सफाई का स्तर बढ़ रहा है, ऑनलाइन डिजिटल हो रहा है, तो वैसे ही जो लाइनों में लग के जो कमीशन देना, लाइनों में लगना, परेशान होना वो रहता था, वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा मेरे हिसाब से एक अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ी है देश के प्रति समर्पित होने की। तो देश के प्रति काम करने की जो जागरूकता बढ़ी है वो भारत में भी लोगों में बढ़ी है, इस कारण से वो भारत वापस आना चाहते हैं। न्यू इंडिया की बात आपने की और ये न्यू इंडिया का कंसेप्ट भी मोदी जी ने जब दिया था कि सबका साथ सबका विकास की बात की, न्यू इंडिया की बात की, श्रीमद् भगवद गीता को उपहार के तौर पर लोगों को देने की बात की, टाइम्स स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे छोटे छोटे देशों में भी, भूटान से शुरुआत की थी जब प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा लगता है कि चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, लेकिन हिंदुस्तान हर देश में बसना चाहिए, वहाँ के नागरिकों के तरीके से बसना चाहिए, इसलिए बहुत सारा काम हुआ है। 10-20 सेकंड में अगर आपका कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए हो। हाँ जी, सो मैं एक क्विकली एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हम कैसे भारतीय संस्कृति वहाँ तक पहुँची है। तो जैसे हम यहाँ पर रक्षाबंधन बनाते हैं कि हमारे भाई बहन भाई को राखी बांधती है और भाई रक्षा का संदेश देता है, वहाँ पर हम उनको कैसे लेके गए हैं कि वहाँ पर भारतीय लोग वहाँ के पुलिसमैन और फायर फाइटर्स को, जो फायर ब्रिगेड है, उनको जाके राखी बांधते हैं और बोलते हैं कि हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आप हमें रक्षा करते हैं। इस प्रकार गुरु को बुला के, टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को बुला के उनको पूजा करते हैं और बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको पढ़ा रहे हैं जी। ऐसे देखा गया, मैंने खुद ने देखा है कि उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं देख के कि आज तो कोई हमको थैंक यू बोलने नहीं आया। बहुत बढ़िया बात अंकित जी आपने कही है, मुझे लगता है कि हमारे पास में इस चर्चा के लिए बहुत सारा समय होना चाहिए था, हालांकि इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक बात होती है और वो व्यक्ति अपने आप को जानना चाहता है, स्व को जानना चाहता है, और स्व को जानना है तो हिंदुस्तान की धरती पर आना पड़ेगा, क्योंकि भारत का मतलब ही है जो सबके कल्याण में रथ है, जो सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और एक छोटी सी लाइन से मैं इस प्रोग्राम को पूरा करूंगा कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। अंकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। नमस्कार।